Hi, good morning students. Myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School Jhabwa. Today I am going to make second video for class 11th physical education students. So before I class my start, I would like to know what is physical education and who are taking and why they are taking. So here is the syllabus of class 11th of physical education. ठीक है, तो ये जो फिजिकल एजुकेशन है कौन से बच्चों को लेना चाहिए और कौन से बच्चों को नहीं लेना चाहिए, मैं आपको उसकी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ. सो दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ 11th क्लास. इट इज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट. ठीक है, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है. इसमें आप हिंदी भी ले सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं. लेकिन जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आप में होनी चाहिए. सो दिस आर सम इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. सो इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स देर इज अ टू पार्ट्स. वन इज थ्योरी एंड सेकेंड इज प्रैक्टिकल. सो इन थ्योरी देर आर 70 मार्क्स ऑफ पेपर एंड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स. सो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू थिंक इन माइंड मेनली प्रैक्टिकल्स. देर आर 30 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल. सो व्हाट इज इन प्रैक्टिकल? अगर आपने फिजिकल एजुकेशन लिया है तो आपको मेनली प्रैक्टिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी. अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल एनी स्पोर्ट्स और एनी गेम्स, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू और वेरी कंफर्टेबल सब्जेक्ट. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन any sports or games, any kinds of folk, so it will be very difficult for you because there are some kinds of or there are different type of practical in physical education. Mainly you have to be well played any one games, either it can be your choice, football, volleyball, khoko, kabaddi, whatever it is you would like to play. So it's very important. Here you can see the practicals. Okay, so first is fitness test. So what is fitness test? In fitness test there are 5 or 6 different type of elements, so you have to be prepared for that. In there are some elements like you have to be very quick runner, there are 600 meter race is there, 50 meter dash, broad jump, shuttle run, there are different type of, these are the fitness test. So you have to be ready for this fitness test. You are not interested in sports or any exercise type of part, so it's very difficult for you to get in physical education. So this is 6 marks of practical. Then second thing is you have to be well played any sports or any games. आपको किसी भी प्रकार के एक गेम्स में आपको थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए. अगर आप किसी भी गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं, आपको कोई भी गेम्स अगर खेलना नहीं आता है, सो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है, अगर आपको किसी गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको जो प्रैक्टिकल्स है वो अच्छा नहीं जाएगा. जो प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी सर आ रहे हैं, जो भी बाहर से एग्जामिनर आ रहे हैं, वो आपसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल में जिस तरह से आपको देना चाहिए उस तरह से आप क्या करोगे, उसमें पार्ट नहीं ले पाओगे. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट एनी इन वन गेम्स, इधर इट इज योर चॉइस. सेकेंड इज योगिक प्रैक्टिस. अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आपको, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन लिया है तो आपको योगा में भी थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए. ठीक है, आपको योगा के पोस्चर्स आने चाहिए, योगा क्या है, क्या चीज़ होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको योगा में होनी चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और यू आर टेकिंग फिजिकल एजुकेशन. देन नेक्स्ट थिंग इज रिकॉर्ड फाइल्स. ओके, सो नेक्स्ट विल बी वाइवा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फूड एनी स्पोर्ट्स और एनी गेम्स, यू हैव टेकन फिजिकल एजुकेशन, सो यू हैव टू बी लिटिल बिट नॉलेज ऑफ different kinds of sports or games which are playing in international level. So this was some kind information. ठीक है, अगर आप physical education में interested हो, आपने लिया है, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए. आपको games में interest होना चाहिए, आपको किसी प्रकार का एक अच्छी तरह से game खेलना आना चाहिए, फिर आपको जो भी योगा है, योगा क्या होता है, उसके अलग अलग posture आने चाहिए. आपको रनिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको खेलना अच्छा नहीं लगता, तो क्या आपको अभी भी आपके पास टाइम है? एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट. ओके, सो इट इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट, इधर यू कैन टेक हिंदी और फिजिकल एजुकेशन. सो
in my first class I gave you some topics like principles, what is the aim of physical education, what are the principles. So there are different type of I taught you in my last class. Okay, so you can see, you can see the this syllabus of physical education. There are 10 units in physical education, different types was there. So you can see the first, the name changing trends and career in sports. Second is Olympic value and education. Then next is physical fitness, wellness and life. Then next is physical education sports for CWNS, special children with special needs. There are different type of special children, you have to be take care for them. What are the games for them? Next is yoga. As I told you, you have to be interested in yoga. There are different type of posture, different type of things in yoga. Next is physical activity and leadership training. There are different type of, you have to be in leadership quality, you have to be in social qualities, so you can share with others or you can mingle with them. If you are going outside to play any sports, any tournaments, so this will be very important things. Then test and measurements. Okay, so in test and measurement there will be different type of games. You have to be test and measure how you can measure your height, your fat. There are different things are there. Then fundamental anatomy, physiology, kinesiology in sports. There are different type of, you have to be knowledge of your body parts, there how many bones are there, which muscles is there, which joints are there. So in anatomy we'll be learn these things. You have to be knowledge little bit of these things. Then next is psychology in sports. So what is psychology? Psychology is a mental thing. You in the on the ground, off the ground, you have to be prepared. Whether you, if you are playing any games or sports, if you are losing, how you have to control your emotions. Okay, so and how to, you have to behave on the ground with others. You have to be very disciplined. There are different things in sports psychology. Then next is training and doping in sports. There are different type of training for sports person. Always, whether it is district level, state level, national level, international level, there are different type of training for sports. Either is preparing for any tournament, pre-preparation, post-preparation. Okay, so tournament में जब भी हम लोग किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो किसी टीम के अगेंस्ट हम लोग खेलने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं कि इस टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना चाहिए. फिर उसके बाद जब हम लोग खेल रहे हैं ऑन द फील्ड, आप प्लानिंग इस गोइंग सक्सेस और नॉट, जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग खेल रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है. देन आफ्टर यू हैव प्लेड द मैच, यू हैव टू बी रिलैक्स, यू हैव टू बी कंफर्टेबल आफ्टर मैच इफ यू हैव गॉट एनी इंजरीज. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस ऑल द थिंग्स. सो अगेन वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू रिपीट, स्पेशली फॉर दिस प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स. ओके, इधर यू कैन सी physical fitness test, it will be 6 marks. Then professionally games and sports, any kind of it is your choice. Either you can, whatever you can take, football, volleyball, kabaddi, basketball, cricket. So there you have to be your choice. Next is yogic asana. As I told you, you will be interested in any yogic asanas, different postures. Okay, then next is practical files. Then viva, you have to be knowledge of different type, little bit knowledge of sports and games, what is going on in current, what had gone in the history, what is coming in the future, sports events, whether it is national level or international levels. So you have to be know about this all the things. Okay, so as again I am repeating you, it is a optional subjects in class 11th physical education. Either you can take Hindi or physical education. If you are interested in sports or games, it will be very easy and it will be very comfortable for you to take physical education. You are not interested in sports or games, it will be very hard in this practical session. So you have to be ready for this physical education in class 11th. So okay, thank you.